2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले माओवादी बस्तर में अलग अलग तरह की वारदातों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। माओवादी अक्सर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को भी अपना निशाना बनाते हैं। ठीक ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया है। करीब 30 सालों से भाजपा के लिए सक्रिय रहे भाजपा के कार्यकर्ता जो कि बीजापुर के उसूर में 15 सालों से मंडल अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, आज उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना स्थल पर मैं मौजूद हूं और घटना स्थल की जो सारी जानकारी है बताऊंगा आपको आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर के ग्राउंड हालात, जमीनी हालात बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीजापुर में एक बार फिर राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक नेता पर माओवादियों ने हमला कर दिया और इस हमले में उस नेता की मौत हो गई। और भाजपा के जो नेता हैं जिनका नाम नीलकंठ कक्के बताया जा रहा है, ये उसूर के इलाके में इनका जनाधार काफी मजबूत रहा और बीजेपी के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। आज वे किसी काम के सिलसिले में आवापल्ली थाना क्षेत्र से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैंक्रम गांव आए हुए थे। जैसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पैंक्रम में उनकी शाली की शादी होनी है कुछ दिनों बाद, तो उसकी तैयारी देखने के लिए, समझने के लिए आए हुए थे। बाइक में सवार होकर आए थे, ये उनकी बाइक है जिस बाइक में वो सवार होकर आए थे। यहाँ लगभग उनका काम खत्म हो चुका था और इसी दौरान वो अपनी पत्नी के साथ दूध मुहे बच्चे को लेकर यहाँ आए हुए थे और काम खत्म होने के बाद यहाँ से वापस जाने ही वाले थे। इसी दौरान बिल्कुल इस दिशा से 3 हथियारबंद लोग यहाँ पहुंचे और भाजपा नेता पर चाकू और कुल्हाड़ी से बेरहमी से हमला किया और इस हमले में भाजपा नेता नीलकंठ कक्कम की मौत हो गई। मौत के बाद घटना स्थल पर ही नीलकंठ कक्कम का शव पड़ा हुआ है। घटना के करीब 45 मिनट से एक घंटे बाद आवापल्ली थाने से पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटना स्थल पर ही अभी शव पड़ा हुआ है। शव से कुछ दूरी पर माओवादियों द्वारा एक पर्चा फेंका गया था। उस पर्चे में, हालांकि उस पर्चे को पुलिस के जवानों ने उठा लिया है, हम कोशिश करते हैं उस पर्चे को देखने की। पर्चा है क्या माओवादियों ने जो फेंका था? सर, वो पर्चा मिल पाएगा माओवादियों ने जो फेंका था? ठीक, पर्चा फेंक कर माओवादियों के मद्देड़ एरिया कमेटी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और साथ ही पर्चे में माओवाद संगठन द्वारा नीलकंठ कक्कम पर माफ कीजिएगा, नीलकंठ कक्कम पर सलवाजुलूम के दौरान सलवाजुलूम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसके साथ ही पुलिस के साथ मिलकर नक्सल संगठन को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर माओवाद संगठन द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। चारों तरफ लोगों के चेहरे पे आप दहशत साफ देख सकते हैं। दोपहर करीब 3 बजे दिन दहाड़े बीच सड़क पर माओवाद संगठन द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के वक्त जो है उनकी जो पत्नी है, इस तरफ पे आप देखेंगे जो रो रही है, अब वो उस वक्त उनके साथ है। हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस वक्त हमसे बात कर सकें। पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं और पुलिस के अधिकारियों से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस वक्त इस घटना की जानकारी मिले। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? राम नरेश गौतम, टीआई आवापल्ली। सर, किस वक्त इस घटना की जानकारी मिली और आप कितने देर से यहाँ पहुंचे? हम तत्काल पहुंचे, हमारा आरोपी लगा हुआ था। जी, आरोपी लगा हुआ था, बस आरोपी क्लोज हो गया है। अच्छा, एडिशनल सर पूछिए। चलिए, ये टीआई हैं, प्रोवाइड टीआई एडिशनल एसपी आवापल्ली भी हमारे साथ हैं। सर, घटना की जानकारी किस वक्त मिली? अभी घटना के बाद स्पॉट पे हम पहुंचे हैं जी। अभी थोड़ा सा समय दीजिए जी, थोड़ा सा सभी पहलुओं पे विचार करके फिर आपसे अलग से बात करेंगे। इससे पहले क्या ये निशाने पर थे सर, ऐसी कोई जानकारी थी क्या? इसके बारे में भी मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा जी। घटना पे अभी पहुंची है पुलिस और पुलिस भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना उसे मुनासिब नहीं लग रहा। पुलिस को जल्दबाजी लग रही है। इस गांव को चारों तरफ से पुलिस के जवानों ने घेर लिया है, इसमें महिला पुलिस बल के लोग भी आए हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं, जिला पुलिस बल के भी जवान शामिल हैं। हालांकि जैसे कि कुछ देर पहले मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया है
कि नीलकंठ कक्कम जिनकी हत्या हुई है इससे पहले भी माओवाद संगठन के निशाने पर रहे हैं, और चूंकि हर व्यक्ति को सुरक्षा दे पाना इस इलाके में और सुरक्षा लेकर किसी भी राजनीतिक दल के छोटे कार्यकर्ता को इस इलाके में घूमना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि माओवाद संगठन द्वारा पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता को टारगेट नहीं बनाया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा 25 मई 2013 को माओवाद संगठन द्वारा जीरम में एक बड़ा नक्सल हमला किया गया था, जिसमें कांग्रेस का जो फर्स्ट लाइन का लीडरशिप है वो पूरी तरह साफ हो गया था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बीजापुर में ही भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की हत्या की गई है, दंतेवाड़ा सुकमा में भी इस तरह की वारदातों को माओवादियों ने अंजाम दिया है। और जैसे ही चुनावी वर्ष नजदीक आता है, चुनाव का वक्त नजदीक आता है, इस दौरान इस तरह के वारदात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब भाजपा के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और साथ ही जो है पिकअप वाहन लाया गया है जिससे शव उठाया जाएगा। बहरहाल ये है ग्राउंड के हालात। माओवाद संगठन द्वारा जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद परिजनों का रो रो कर तो बुरा हाल है ही, और साथ ही जो अन्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनके चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जाता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको मेरा रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर दर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में किस तरह से माओवादी खूनी खेल खेलते हैं।